हाई गायस हर यू ऑल आई एम आई एम फीलिंग सेड आई एम नॉट फाइन आई एम बोर्ड एट होम टू स्टे एट होम गाइज आई एम जस्ट फेड अप ऑफ दिस सिचुएशन जैसे गाइज जगह जगह पर नारे लग रहे हैं कि स्टे एट होम स्टे एट होम सो आप लोग भी घर में बंद होके बैठ गए होंगे हम लोग भी घर में बंद हो के बैठ गए हमारी कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं हो रही हम एजुकेशन में भी बहुत वीक हो गए गायज हम um, पहले कितनी दुआ करते थे अल्लाह ताला से कि चलो एक्स्ट्रा छुट्टियां पड़ जाएं हम लोग तो मज़े से सोएं स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा पढ़ाई भी नहीं होगी बहुत मज़ा आएगा मगर गाइस अल्लाह ताला ने अब आ, एक मेडिकल सा हो जाए हम दुआ करते थे तो अल्लाह ताला ने अब ऐसा मेडिकल कर दिया है कि इतनी छुट्टियाँ पड़ रही हैं आप कि हमसे अब घर में बैठा नहीं जा रहा स्कूल होता था तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था वहाँ पर पढ़ाई भी होती थी अच्छी अच्छी टीचर्स भी होती थी सो गाय और वो बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे जो आपके लिए बैड न्यूज़ है सबसे बुरी सबसे बुरी न्यूज़ गाइस वो न्यूज़ ये है कि हमारे जो प्र, आ, प्र, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ना अगर हम पाँच साल तक भी स्कूल बंद रखना चाहें तो रख सकते हैं पाँच साल तक गाइस यानी अगर हम पाँच साल कहना चाहें तो हमारी यूनिवर्सिटी की उम्र जो तो तब तक हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी की उम्र में मैट्रिक करेंगे गाइज आप ज़रा खुद सोचें कि यूनिवर्सिटी की उम्र में हम मैट्रिक करेंगे एंड यू ऑल नो दैट आई बिकम अ डॉक्टर सो इट विल टू लेट गाइज आई विल बिकम डॉक्टर आई बिकम डॉक्टर बट इट विल टू लेट गाइज इफ द स्कूल विल क्लोज फॉर फाइव इर्स गाइज ये बिल्कुल सही नहीं है ये सो so गाइस आप लोग प्लीज़ दुआ करें अल्लाह ताला से कि ये कोरोना वायरस जल्दी से इस दुनिया से निकल जाए और हमारी स्कूल भी खुल जाए गाइस हमें बहुत अच्छा लगेगा आप लोग मेरी इस वीडियो को देखने गाइस और सच्ची बात तो ये है गाइस कि स्कूल खुले ही ना तो बेहतर है ओके okay, अल्लाह हाफिज़ गाइस बाय बाय ये बात किसी को बताइएगा नहीं